हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें पहले आपको ये बता देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, कल की क्लास में बच्चों हमने स्टार्ट किया था फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारा 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इसमें हम जानते हैं फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और मैंने वही आप लोगों को बताया कल कि भैया साइंस क्या है। साइंस वर्ड ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, या जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, यही वर्ड ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत के विज्ञानन से, जो बाद में बन गया विज्ञान। ठीक है, यही वर्ड ओरिजिनेट हुआ है अरबिक वर्ड इल्म से। इन सब का एक ही मतलब होता है, और वो है नॉलेज या टू नो। साइंस की ब्रांचेज मैंने आपको बताई कि भैया साइंस की ब्रांचेज वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन तीन मेन ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स, केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजिकल साइंस यानी बायोलॉजी। हमें बात करनी है फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स की। फिजिक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया एरिस्टोटल ने, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंस और फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। और ये जो फिजिक्स वर्ड बना है, ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से बना है बेटा। फ्यूजिस, FUSIS, फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब होता है नेचर। और फिजिक्स और साइंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी बिना एक्सपेरिमेंट और बिना ऑब्जर्वेशन के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती है बेटा। आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आगे चलकर फिजिक्स में दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्शन। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि भाई यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले यूनिफिकेशन की डेफिनेशन आप अपने सामने लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को इसके ऊपर बताऊंगा बेटा। यूनिफिकेशन की डेफिनेशन आपके सामने है और एक एग्जाम्पल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा आइए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखते हैं कि यूनिफिकेशन है क्या। देखिए, यूनिफिकेशन बेसिकली क्या है, फिजिक्स के लॉज से, फिजिक्स के लॉज का यूज़ करते हुए, फिजिक्स के लॉज का यूज़ करते हुए किसी भी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना। जब आप किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं विद द यूज़ ऑफ फिजिक्स लॉज, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। अगर मैं मार्कर को यहाँ से छोड़ दूँ तो ये मार्कर नीचे गिरेगा, तो मैं कहूँगा कि भैया मार्कर फ्री फॉल कर रहा है, और मार्कर के फ्री फॉल करने में न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ अप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ हमारी यूनिफिकेशन कहलाएगी। या अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये जो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, इसके पीछे भी ग्रेविटेशन लॉ काम कर रहा है, ये भी हमारा यूनिफिकेशन कहलाएगा। तो जितने भी नेचुरली फिनोमिना हो रहे हैं, या कोई भी फिनोमिना आपके पास में, आपके आसपास हो रहा है बेटा, उसे आप फिजिक्स के लॉज का यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करते हैं, यही चीज़ आपकी कहलाती है यूनिफिकेशन। डेफिनेशन आपके सामने है। इन यूनिफिकेशन द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस। ठीक है, यानी आप एक आसान से डेफिनेशन समझिए बेटा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किताबी कीड़े बनो और हर चीज़ आप किताब की याद रखो, बुक्स की आप याद रखो। मैं चाहता हूं कि एक जनरल डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में घुसे और उसे आप हमेशा याद रखो। जब भी किसी को बताने की बारी आए तो आप बहुत इजी वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन कर पाओ, बहुत आसान शब्दों में आप उसे बता पाओ, जिससे कि हाँ लगे कि भाई बच्चे को कुछ आता है। ठीक है, तो यूनिफिकेशन का आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा कि यूनिफिकेशन क्या है, किसी भी फिनोमिना को या किसी भी नेचुरल कंडीशन को फिजिक्स के लॉज के बिहाफ पर एक्सप्लेन करना ही आपका यूनिफिकेशन कहलाएगा। ये आपका एग्जाम्पल है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे बेटा। आगे हमारे पास में है, ये सब एग्जाम्पल है,
द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बेटा रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन क्या है, समझिएगा जरा रिडक्शन क्या है। आप 10th क्लास से अभी 11th क्लास में आए हैं, आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब वो फॉर्मूले कई सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला दिखता हूँ, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो वोल्टेज और करंट से मिलकर बना है, यानी जब आप छोटे छोटे कंपोनेंट का यूज़ करके किसी अनदर क्वांटिटी को आप ड्राइव करते हैं, किसी और का फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं, तो यही चीज़ आपके सामने बेटा कहलाती है रिडक्शन। देखो फिजिक्स में कोई एक क्वांटिटी तो है नहीं, फिजिक्स के अंदर हजारों सैकड़ों क्वांटिटीज़ हैं बेटा, ठीक है। और होता क्या है, फिजिक्स के अंदर मेन काम ये होता है, कभी हमने इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया, कभी हमने उसका फार्मूला ड्राइव कर लिया विद द यूज़ ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़। जब आप किसी पर्टिकुलर फार्मूले को ड्राइव करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके, वही आपका रिडक्शन कहलाता है। देखिए आपके सामने क्या है, इन रिडक्शनिज्म द एफर्ट इज़ टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल कॉम्पोनेंट्स या माइनर कॉम्पोनेंट्स या टाइनी कॉम्पोनेंट्स, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात बेटा समझ रहे होंगे हमारी और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यानी कोई भी क्वांटिटी आप ड्राइव करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके, यही हमारा रिडक्शन कहलाता है। अब यूनिफिकेशन और रिडक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, और जनरली हर बच्चे के स्कूल एग्ज़ाम में अगर ये चैप्टर आया आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों से ज़रूर पूछी जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों डेफिनेशन को आप रटे नहीं, याद नहीं करें, आप सिर्फ समझें, और इस तरीके से समझें कि आप आसानी से अपने कॉपी में इन्हें लिख कर आए। अब यूनिफिकेशन आप समझ चुके हैं कि यूनिफिकेशन क्या है, कोई भी फिज़िक्स का जो लॉ है उसका यूज़ करके जब आप किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का यूज़ करके जब आप किसी कॉम्प्लेक्स फार्मूला को ड्राइव करेंगे, किसी बड़े फार्मूला को आप ड्राइव करेंगे, तो ये आपका बेटा कहलाएगा रिडक्शन। आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन आपके सामने है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और दो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, एक का नाम है यूनिफिकेशन और दूसरे का नाम है हमारे पास में रिडक्शन। अब कुछ MCQs हैं आपके सामने, जरा आप लोग एक बार इन्हें देखें और देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को साइंस के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको फिज़िक्स के बारे में बता चुका हूँ, मैं ये बता चुका हूँ कि फिज़िक्स वर्ड आया कहाँ से है, फिज़िक्स वर्ड आया है ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है एरिस्टोटल को, और इस फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, स्टडी ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग भौतिकी, इल्म, नेचर, टू नो। तो बेटा ऐसा है कि जो ग्रीक वर्ड है फ्यूजेस, इसका मतलब होता है नेचर, साइंस का मतलब होता है टू नो, साइंस का मतलब होता है टू नो, और जो फिजिक्स वर्ड आया है, ये फिजिक्स वर्ड आया है फ्यूजेस से जिसका मतलब होता है नेचर। तो थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ करेक्ट होगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में ना बेटा ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी कि कितनी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हों और किस किस तरीके से आप लोगों से प्रॉब्लम पूछी जाएगी। द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल नॉट वैलिड इन स्पेस। देखिए जब भी फिजिक्स के लॉज बनाए जाते हैं
मान लिया आगे चलकर आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट बन गया, और ऑब्वियसली बनेगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ज़रूर बनेगा कोई ना कोई। तो जब कोई भी आप फिजिक्स में लॉ ड्राइव करेंगे या कोई भी लॉ या कोई भी कंसेप्ट आप बनाएंगे ना बेटा, तो वो कंसेप्ट वेरीफाई तब माना जाएगा जब वो पूरे यूनिवर्स की हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन करता हो या पूरे यूनिवर्स की हर कंडीशन में अप्लाई होता हो, तब हम मानेंगे कि वो एक यूनिवर्सल लॉ है। तो फिज़िक्स के अंदर जितने भी लॉ होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल लॉ होते हैं, मतलब ऐसा मानकर वो बनाए जाते हैं कि ये लॉ पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर एक जगह एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फिज़िक्स के जितने भी लॉ होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल लॉ होते हैं बेटा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके, अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है। फिजिक्स इज वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ साइंसेस। हमने आपको बताया, हमने पहले ही आपको फिजिक्स का मतलब बताया, हमने फिजिक्स का मतलब आपको बताया है कि फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, यही फिजिक्स का मतलब है बेटा। उम्मीद करते हैं कि समझ आई हो बात, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। तो साइंस क्या है वो आपका फिनिश हो गया है, फिजिक्स क्या है वो आपका फिनिश हो गया है, यूनिफिकेशन क्या है वो फिनिश हो गया है, रिडक्शन क्या है वो फिनिश हो गया है, और कुछ छोटे छोटे MCQs की बात भी हमने इसके अंदर कर ली है। अब हम बात करेंगे बेटा आगे, और नेक्स्ट है हमारे पास में स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है? यानी बेसिकली कि फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कितने साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स को बनाने में, फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, कितने फॉरेन साइंटिस्ट का योगदान रहा है फिजिक्स को बनाने में, कितने इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स को बनाने में, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? अब आप देखिए हमारे पास में स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है? ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने ये दिखाया है, ये सब फिजिक्स के अंदर यूज़ होने वाली कंडीशंस हैं। हालांकि इससे अभी आपका कोई मतलब नहीं है कि भाई इससे कोई मतलब है ये आप लोगों को पढ़ना है, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि इन सभी चीज़ों का फिजिक्स में यूज़ होता है। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा हो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है एक, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कभी आपने 9th या 11th क्लास में पढ़ा हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है? वो है ये हमारे पास में बेटा। चलिए तो अभी हम बात करते हैं आगे। अब देखो बेटा, हम पढ़ने वाले हैं कि फिज़िक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, हमने फिज़िक्स को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो बेसिकली हम फिज़िक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके बेटा पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल, और एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर हम लोग इसे पढ़ेंगे, लार्ज स्केल पर। जब फिजिक्स को एक बड़े स्केल पर हम लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन करते हैं, वो सभी चीज़ें आती हैं हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल में। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है बेटा स्मॉल लेवल, स्मॉल लेवल, यानी जब बहुत छोटे छोटे फिनोमिनास को या बहुत छोटे लेवल पर जाकर हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं, बहुत छोटा लेवल, जैसे आप एटम के अंदर पहुंच गए। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, समझ आ रही बात? और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब आप उस लेवल पर जाकर फिज़िक्स पढ़ते हो तो ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, और जब आप बड़े लेवल पर फिजिक्स पढ़ते हो, बड़े बड़े फिनोमिना को आप एक्सप्लेन करते हो, तब ये हमारा कहलाता है बेटा मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो
तो यहां से आप लिख लेंगे देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, नंबर वन मैक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज स्केल, या इसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी बड़ा लेवल, लार्ज स्केल क्लासिकल लेवल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी स्मॉल लेवल, या हम इसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी बेटा जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, जब बहुत छोटे लेवल पर जाकर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल है, और जब बहुत बड़े लेवल पर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो ये लार्ज स्केल है या हमारी क्लासिकल फिजिक्स कहलाएगी। कुछ इस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने आती हैं बेटा। अब दोनों को एक एक करके हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, आप लोग बस अपनी कॉपी में सही तरीके से लिखते रहिएगा। सो देर आर टू मेन डोमेन ऑफ फिजिक्स या टू मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, नंबर वन माइक्रोस्कोपिक और नंबर टू माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। आइए बेटा अब जानते हैं हम आगे इसके बारे में, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन यानी जो बड़ा लेवल है इंक्लूड्स फिनोमिना एट लेबोरेटरी टेरेस्ट्रायल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, वो एक ही बात है, यानी बड़े लेवल पर जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सब मैक्रोस्कोपिक में आते हैं, ठीक है, और छोटे लेवल पर जितने भी फिनोमिना होते हैं लाइक पार्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन लेवल पर जितने भी फिनोमिना आते हैं वो सारे के सारे हमारे माइक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, ये आप अच्छे तरीके से बेटा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में दो मेन डोमेन है, मैक्रो एंड माइक्रो। अब हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास में अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पहली कंडीशन आती है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पहली कंडीशन हमारे पास में आएगी ये कहलाएगी मैकेनिक्स। मैं आपके सामने लिखता हूं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास में जो पहली कंडीशन आती है इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। नंबर टू पर जो कंडीशन आती है हमारे पास में इसे हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। तीसरे नंबर पर जो कंडीशन हमारे पास में आती है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तीन मेन ब्रांचेस हैं हमारे पास में मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बेटा, एक का नाम है मैकेनिक्स, एक का नाम है थर्मोडायनामिक्स, और एक का नाम है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आइए तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। मैकेनिक्स क्या है बेटा? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर आप लोग किसी बॉडी के मोशन के बारे में, किसी बॉडी के रेस्ट के बारे में, रोलिंग मोशन के बारे में यानी घूमने के बारे में, ठीक है, यानी जितने भी तरीके के चेंजेस होते हैं, चेंजेस चाहे वो बदलाव कैसा भी है, चाहे वो चेंज कैसा भी है, चाहे वो चलने वाला चेंज है, ऊपर से गिरने वाला चेंज है, रोटेशन करने वाला चेंज है, समझ में आ रही बात, वाइब्रेशन करने वाला चेंज है, वो सारी की सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे बेटा। ये सारी की सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे 11th और 12th में। ये सबसे बड़ी यूनिट है बेटा, सबसे बड़ी यूनिट मैकेनिक्स। और आप ये समझिए कि 11th क्लास में तो आपको इसके बारे में ही पढ़ना है, पूरा का पूरा 11th क्लास का जो सिलेबस है वो इन दो यूनिट में आ जाता है, एक मैकेनिक्स में और एक थर्मोडायनामिक्स में। इन्हीं दो यूनिट के अंदर पूरा 11th क्लास का सिलेबस है। नंबर वन है मैकेनिक्स, नंबर वन है थर्मोडायनामिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, मोशन करना, रोटेशन करना, वाइब्रेशन करना, समझ में आ रही बात, फ्री फॉल करना, नीचे से ऊपर जाना,
किसी भी तरीके का मोशन हो रहा होगा, किसी भी तरीके का चेंज हो रहा होगा, वो सब मैकेनिक्स की कैटेगरी में आएगा। नंबर टू पर हमारे पास में आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक का मतलब है थर्मो और एक का मतलब है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट से और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन से। जहां आप हीट टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आती हैं थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी में। जहां आप मोशन, चेंज, रेस्ट, रोटेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ये सब आता है मैकेनिक्स की कैटेगरी में। और जहां आप हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, हीट से चलने वाली मशीनों के बारे में आप पढ़ते हैं, हीट का एप्लीकेशन आप पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, इन सब बातों के बारे में आप पढ़ते हैं, ये सब आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी में। नंबर तीन पर हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अब देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रो और ये है डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज से है। आप जो 10th क्लास में चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए हो ना बेटा, बस वही 12th स्टैंडर्ड पर जाकर बहुत डिटेल्ड में हो जाता है और पूरी एक बुक उसके ऊपर लिख दी गई है, पूरी की पूरी एक बुक उसके ऊपर बना दी गई है। और ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कैटेगरी में। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे वॉट इज चार्ज, वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वॉट इज मैग्नेट, समझ में आ रही बात, टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करंट, डीसी करंट, एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोटर, जनरेटर, डायनेमो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कैटेगरी में। तो ये तीन बड़ी यूनिट है बेटा जो आपकी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आती हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आता है हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है ज़रा समझिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है। एक हो गया मैक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, पूरा ट्रेंडिंग में है, अभी खूब दबा के ट्रेंडिंग में है। ठीक है, कैलिफोर्निया की जो सिलिकन वैली है वहाँ बस यही चल रहा है सब कुछ काम। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स ही पूरा काम चल रहा है, सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर, नए नए डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, नए नए सेंसर्स बनाए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कम स्पेस ऑक्यूपाई करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें, ये सब आता है मॉडर्न फिजिक्स की कैटेगरी में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर सेट करते हो, मान लो कि मेरा फ़ोन नंबर है 9837 से स्टार्ट होता है, तो कौन सा मोबाइल नंबर 9837 से स्टार्ट होगा वो एरिए के हिसाब से डिसाइड होता है। मोबाइल नंबर सेट करने की चीज़ भी आप लोग यहाँ सीखेंगे इस मॉडर्न फिजिक्स में अपने 12th के सिलेबस में। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास में है वो है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसी के अंदर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं बेटा, ये है ऑप्टिक्स। 10th क्लास में भी आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते आते हैं, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, प्रिज्म क्या है, दो चार चीज़ें और इसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, और फाइनली हमारे पास में आता है पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स के साथ साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन साहब की जो थियोरी है, जो बच्चे कॉस्मिक फिजिक्स में यानी कॉस्मोलॉजी में यानी स्पेस फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा भी कुछ खास इंटरेस्ट है कॉस्मोलॉजी के अंदर, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कॉस्मोलॉजी से ही है और मैंने अपने डॉक्टरेट में भी कुछ काम किया है उसके ऊपर,
तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मैं भी स्पेशल इंटरेस्ट उसके अंदर रखता हूँ। और अगर आप लोगों का कॉस्मोलॉजी यानी स्पेस फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यानी जो आइंस्टाइन की थियोरी है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, पार्टिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ये सारे फिनोमिना वो हैं जो बहुत छोटे लेवल पर पढ़े जाते हैं बेटा। तो ये सारे के सारे आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल में आएंगे, और ये सारे फिनोमिना वो हैं जो बड़े लेवल पर पढ़े जाते हैं, ये आपके मैक्रोस्कोपिक लेवल में आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके बेटा, चलिए तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स के बारे में बता दिया है। उम्मीद करूंगा कि समझ आ गई होगी बात। डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। हमें आगे चलकर ये पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने ही हैं। जब आगे चलकर हमें पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो फिर हम क्यों यहाँ इनके बारे में पढ़ें? यहाँ पढ़ने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो जितनी बातें अभी तक आप लोगों को बताई गई हैं ये सभी बातें आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे बेटा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स यानी जो मैंने आप लोगों को ब्रांचेस अभी बताई वो तो बेटा मेन मेन ब्रांचेस थी, उनके अंदर भी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम एक बार उनके बारे में आप जान ही लें, थोड़ा सा उनके बारे में जान लें, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का उनके बारे में जान लें। जितना अभी तक बताया है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। वॉट इज साइंटिया, साइंटिया क्या है, साइंस क्या है, ओके, साइंस वर्ड आया कहाँ से है, साइंस की ब्रांचेज कितनी हैं, फिज़िक्स वर्ड कहाँ से आया है, फादर ऑफ फिज़िक्स कौन है, फिज़िक्स का मतलब क्या होता है, फिज़िक्स के दो डोमेन हमने बना दिए, मैक्रो एंड माइक्रो, यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, अच्छे तरीके से याद रखना है मैक्रो में कौन कौन आता है, माइक्रो में कौन कौन आता है। अब आ गया है सब डिसिप्लिन, यानी मैक्रो और माइक्रो के अंदर वो जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं ना बेटा, उनके भी अंदर हम लोग पहुंच गए हैं, उनके भी अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। तो सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। बड़ी शानदार यार, क्या होती है एस्ट्रोफिजिक्स? ठीक है, अब एस्ट्रोफिजिक्स में प्लैनेटरी मोशन, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, ठीक है, गैलेक्सीज, इंटर गैलेक्सीज, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। बहुत शानदार ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। इंडिया में तो इसके बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है, हाँ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एस्ट्रोफिजिक्स को बढ़ाने के तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। IISAT करके एक कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी। हमारी एक स्टूडेंट थी DPS की, लास्ट ईयर उसका एडमिशन हुआ था वहाँ पर, 740 रैंक थी उसके, लेकिन फिर उसने IIT जोधपुर चूज़ किया एस्ट्रोफिजिक्स में ही। इसके साथ साथ IISER और इसके अलावा है पुणे यूनिवर्सिटी एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है बेटा। और पुणे यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नेस्ट के नाम से, NEST, नेस्ट के नाम से, बहुत शानदार है। जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स में स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं वो पुणे यूनिवर्सिटी के उस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? ये एस्ट्रोफिजिक्स मैक्रो यानी बड़े लेवल के फिनोमिना में आती है, और यहाँ आप पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, टेलीस्कोप्स के बारे में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एस्ट्रोफिजिक्स की कैटेगरी में। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि इसे सिर्फ आप लोगों को देखना है, इसे नोट्स में आप लोग मत लिखिएगा, नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। ठीक है, ओके। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बहुत छोटे लेवल की फिजिक्स है। जब हम एटम के अंदर पहुँच जाते हैं या मॉलिक्यूल के अंदर पहुँच जाते हैं
तो एटम किस तरीके से बिहेव करता है, एटम के अंदर चेंज करके हम कैसे कैसे सब्सटेंस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। बड़ी अच्छी ब्रांच है बेटा ये भी, और आगे चलकर हम इसे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट पर काम बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। सबसे खास बात यह है, पूरे इंडिया में सॉलिड स्टेट पर अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे ज़्यादा काम होता है तो वो हमारा CBRI यानी रुड़की का जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ होता है, ठीक है। कि अलग अलग मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जानी जाती है, उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ जानी जाती है, जिनका हम अलग अलग चीज़ों में एप्लीकेशन कर सकें। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बड़ी काम की फिजिक्स है। सॉलिड अलग अलग तरीके के हैं आप लोगों के, इलेक्ट्रिकल, डाइलेक्ट्रिक, इलास्टिक, इनके बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम लोग जानेंगे। आप सिर्फ इतना जान लीजिए, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, उसके बिहेवियर के बारे में जानना ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारी कहलाती है बेटा, ठीक है। ओके, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी बेटा, कॉस्मोलॉजी जस्ट अभी हम बात कर रहे थे, कॉस्मोलॉजी क्या है, स्पेस के अंदर जितनी भी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, या जो डार्क एनर्जी है, या जो डार्क मैटर है, या एंटी डार्क मैटर है, या एंटी डार्क एनर्जी है, यानी आप ये समझ लीजिए कि एवरीथिंग अबाउट इज स्पेस, यानी स्पेस के बारे में सब कुछ जानना, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ स्पेस के बारे में है बेटा, सब कुछ स्पेस के बारे में है, आपको स्पेस के बारे में सब कुछ जानना है, तो इस पूरी ब्रांच के अंदर आता है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिकल मैकेनिक्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वाइब्रेशंस, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा आता है इस कैटेगरी में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो बेटा आज की क्लास में हमने जो मेन बात है, जो हमें पकड़ के रखनी है, जो बात हमें अपने नोट्स में लिखनी है, साइंस की डेफिनेशन, साइंस वर्ड आया कहाँ से है, साइंस की ब्रांचेस क्या हैं, यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, मैक्रोस्कोपिक ब्रांचेस क्या है, माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस क्या है, इन्हें तो सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। इसे अच्छे तरीके से अपने नोट्स में आप लिखें, और नोट्स लिखकर मेरे पास में सेंड आप लोग ज़रूर करें। अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लासरूम में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें, आधे से ज़्यादा क्या, 90% चीज़ें क्लासरूम में ही आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो मिलेंगे कल की क्लास में, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे, अभी 35 मिनट, फिर 40, फिर 45, 50 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो बेटा कल की क्लास में हम बाकी बात करेंगे आप लोगों से।